हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी वेल. टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, द सॉन्ग्स फ्रॉम हीवन. मीन्स सॉन्ग फ्रॉम हीवन. फ्रॉम मीन्स होता है से, हीवन मीन्स होता है स्वर्ग. मतलब ऐसा गाना जिसको सुनकर के लगता है कि ये स्वर्ग से गाना आया हुआ है. तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, द सॉन्ग फ्रॉम हीवन. ठीक है. इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, जिस कैरेक्टर के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से इसमें कैरेक्टर हैं. इसमें है फादर जोसेफ मोहर, ध्यान रखिएगा, फादर जोसेफ मोहर. वो क्या है, प्रियस्ट हैं, 26 ईयर ओल्ड, 26 ईयर ओल्ड के हैं. सेकंड कैरेक्टर है फ्रांस जेवियर ग्रेबर, ये क्या है, म्यूज़िक टीचर हैं. थर्ड है ऑर्गन बिल्डर, जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनको ठीक करने वाला है, उसका नाम क्या है, ऑर्गन बिल्डर है. किंग एंड क्वीन है फोर कैरेक्टर. और फाइव वाला फोर स्ट्रेसर चिल्ड्रेन. स्ट्रेसर में क्या होता है, स्ट्रीट चिल्ड्रेन जो होते हैं, स्ट्रीट में जो गाना गाते हैं. पहले का नाम है कॉरलिन, सेकंड का नाम है जोसेफ, फिर एंड्रियास और एमेली. ठीक है, ये चार बच्चे हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं. किंग एंड क्वीन है ऑर्गन बिल्डर है, इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने वाला. फ्रैंक जेवियर ग्रबर है, म्यूज़िक टीचर है. और फादर जोसेफ है. सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर. इट वॉज द 24th day of December. ये कब की बात है, 24 दिसंबर की बात है, यानी क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है, 1818 की बात है, इन हेलन की बात है. एन एज ओल्ड विलेज इन ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन का एक विलेज है जिसका नाम है हेलन. ठीक है, पुराना गांव था उसके अंदर की बात है. ऑस्ट्रियन आल्प्स, आल्प्स क्या होता है, एक माउंटेन. फादर जोसेफ मोहर अकेले बैठे हुए स्टडी कर रहे हैं, बाइबल की स्टडी कर रहे हैं. ऑल थ्रू द विलेज ऑफ द चिल्ड्रन, जो सारे चिल्ड्रेन विलेज के बच्चे हैं, वर फिल्ड विद एक्साइटमेंट, और सबके दिल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. क्यों, क्योंकि कल क्रिसमस डे है, सभी बहुत एक्साइटेड है. फॉर इट वॉज हॉली ईव, क्योंकि आज कौन सा दिन है, हॉली ईव है. हॉली ईव क्या है कि क्रिसमस के दिन, एक दिन पहले के दिन को क्या कहते हैं, हॉली ईव, उसको भी लोग सेलिब्रेट करते हैं कि कल जीसस क्राइस्ट का जन्म होने वाला है, इसीलिए लोग उस शाम को भी सेलिब्रेट करते हैं. एंड दे कुड से अब फॉर ए मिड नाइट मास, और उसको और किस नाम से जानते हैं, मिड नाइट मास के नाम से भी जानते हैं होली ईव को. द चिल्ड्रन क्राइड लाइट, कैरिड लाइट, जो बच्चे थे लाइट लिए खड़े थे, यानी कैंडल्स लिए खड़े था. होल विलेज लुकड लाइक ए क्रिसमस ट्री, पूरा विलेज इस तरह लग रहा था कि जैसे कि क्रिसमस ट्री जगमगा रहा विद ए 100 moving candles, और बहुत सारी hundreds of candles उनके हाथों में जगमगा रही थी. द यंग प्रियस, जो 26 ईयर ओल्ड के हैं, लुकिंग एट द वैली, उन्होंने वैली की तरफ देखा. That was so festively lighted. और जब उन्होंने वैली की तरफ देखा, उन्होंने बहुत ही joyous महसूस हुआ, उन्होंने बहुत ही खुशी महसूस हुआ देख करके गाँव वालों को. With an open Bible, और उन्होंने अपनी बाइबल खोली. He sat at his oaken study, और उन्होंने अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बाइबल रखी. Working on a sermon, और वो sermon की तैयारी करने लगे. Sermon क्या होता है, एक religious उपदेश होता है, जो जैसे हाफिज मौलाना होते हैं या साधु होते हैं, एक हर्मिट जिसको बोलते हैं. और इसमें वो लोग क्या कहते हैं, अगर वो कोई भी धर्म की बात बता रहे तो उसको सरमन बोलते हैं. तो सरमन की तैयारी कर रहे थे कि कल क्रिसमस डे है, मुझे क्रिसमस डे वाले दिन कुछ लोगों को उपदेश देना, कुछ लोगों को बात बतानी है. फॉर द मिडनाइट सर्विस, तो रात भर वो तैयारी करते रहे सरमन उपदेश देने की. ठीक है. ही रीड अगेन एंड वो बार बार उसको पढ़ते रहे. एंड शाउट ऑफ द शेफर्ड, शेफर्ड में क्या होता है, शीप को चराने वाले को शेफर्ड कहते हैं. शेफर्ड की उन्होंने आवाज़ सुनी इन द फील्ड. ठीक है. To whom the angel come and said, ये बाइबिल की पढ़ रहे हैं, बाइबिल में जो है वो पढ़ रहे हैं, ये बाइबिल में लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ है. He read and again, क्या पढ़ा उन्होंने, the shout of the shepherd, shepherd जो था जो चिल्लाया उसने in the field में. To whom the angel come and said, और वहाँ पर एक एंजल आया और उसने उससे कहा, क्या कहा, onto you is born this day a city of David a savior, आज तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो city of savior, जो लोगों को ख़त्म करने वाला है, या सिटी ऑफ डेविड ऑफ सेवियर है वो. ठीक है. तो एक बच्चा पैदा होने वाला है, एंजल ने आकर के खुशखबरी दी किसको, शेफर्ड को. ये बाइबल में वो चीज़ पढ़ रहे हैं. सडनली अचानक क्या हुआ, देयर वॉज ए नॉक एट द डोर, अचानक दरवाजे पर किसी ने खटखटाया. क्या खटखटाया, फादर जोसेफ स्टडी. और जब फादर जोसेफ स्टडी कर रहे थे, अचानक कोई दरवाजे पर आया, उसने दरवाज़ा नॉक किया. हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, आस्क फादर जोसेफ. फादर जोसेफ ने ये वर्ड कहा. As he opened the door, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनका कौन है, ए peasant woman, एक वहाँ की peasant, किसान की जो औरत होती है उसको peasant woman कहते हैं. Stood in front of him, उसके सामने आकर के खड़ी होगी, फादर जोसेफ के सामने आकर के. She was wrapped in a coarse shave, वो एक
लपेटे हुए थी, कोस शेव, एक शॉल लपेटे हुए थी, बड़ी अजीब सी शॉल वो लपेटे हुए थी। फादर, उसने कहा फादर ए चाइल्ड वॉज बॉर्न, एक बच्चा पैदा हुआ अर्लियर दिस डे, आज एक बच्चा पैदा हुआ। टू ए पुअर वर्कर वाइफ, एक गरीब वर्कर वाइफ के घर, एक एक गरीब वर्कर की वाइफ के एक बच्चा पैदा हुआ है। दे लिव ऑन द अदर ऑफ दिस माउंटेन, वो इस माउंटेन, उसने हाथ से इशारा किया, वो उस माउंटेन के उधर साइड में रहते हैं। सेट द वुमेन, दे हैव सेंट मी टू यू, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। दे वॉन्ट यू टू कम एंड ब्लेस द इन्फेंट, वो चाहते कि आप उनके पास आए और उनको ब्लेस करें, इन्फेंट को। इन्फेंट मीन्स क्या होता है, बच्चा, ठीक है, उसको इस वो ब्लेस करें, आशीर्वाद दे, दैट इट माइट लिव एंड प्रॉस्पर, और उसको ये आश्वासन दें और उसको ये बताएं कि बहुत लंबी उम्र इसकी हो और बहुत सी फले फूले, ये बहुत ही अच्छे से इसकी ज़िंदगी बीते। फादर जो होते वाइज स्ट्रेंजली मूड, फादर जो जो होते वो अजनबियों की तरह वहाँ गए और हंसते हुए वहाँ पर गए। विद ए रैम शैकल हट, रैम शैकल मीन क्या होता है, और टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर गए वो। ही सॉ ए यंग मदर, उन्होंने एक जवान औरत को देखा, मदर को देखा, स्माइलिंगली हैप्पी, वो मुस्कुरा रही थी। विद हर बेबी स्लीप, और अपनी बेबी को पास में रखे हुए मुस्कुरा रही थी। इन हर आर्म्स, अपनी गोदी में लिए थी। द सीन सर्टेनली डिड नॉट रिसेम्बल, वो जो सीन था, जो फादर जोसेफ ने जो सीन देखा वो सेम उसकी तरह नहीं था। किसकी तरह नहीं था, कि जब जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह जब पैदा हुए तो किसके घर में, स्टैबल के नीचे। स्टैबल क्या होता है, जो घोड़े के नीचे, जो घोड़ा जहाँ पर बांधा जाता है उसको स्टैबल बोलते हैं। तो वहाँ पर जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, और जोसेफ और मैरी, उनके फादर का क्या नाम था, क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के, जोसेफ, और उनकी मदर का क्या नाम था, मैरी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मरियम बोलते हैं, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी, स्टेबल के नीचे हुई थी। तो वो ये सोच रहे हैं ये बात कि ये सेम मिलता जुलता तो नहीं उसी तरह, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं कि आज के दिन वो बच्चा पैदा हुआ है, आज के दिन जीसस क्राइस्ट भी पैदा हुए थे, लेकिन वो स्टेबल के पास पैदा हुए थे, लेकिन ये कहाँ पैदा हुआ है, रैम शैकल हट पे पैदा हुआ है। कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं मिल रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, येट द लास्ट वर्ड ही हैड रीड इन द बाइबल, जब वो बाइबल का लास्ट वर्ड पढ़ रहे थे तो ये बात वो कह रहे थे कि सारी कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं, ये जो बच्चा बच्चा पैदा हुआ है कुछ कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं, लेकिन सारी चीज़ें मैच नहीं कर रही है। सडनली सीम टू लाई एड्रेस टू हिम, फिर क्या हुआ, सडनली अचानक सीम टू लाई, उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये सब कुछ नहीं है, ऐसा झूठ है ये, मतलब वो अपने मन में सोच रहे थे कहीं ये ईसा मसीह की तरह कुछ तो नहीं है। रिटर्निंग टू द वैली, जब वो वैली वापस जाने लगे, ही सॉ द डार्क स्लोप, उन्होंने देखा कि डार्क स्लोप, स्लोप माने क्या होता है, ढलान, डार्क स्लोप, अंधेरी स्लोप में, वर अ लाइट, वहाँ पर बहुत सारी लाइट जल रही, विद द टॉर्चेस, और सब लोग अपने हाथ में टॉर्च लिए हैं। ऑफ द विलेजर्स, वहाँ के जो गाँव वाले थे वो पहाड़ी से उतर रहे थे और टॉर्च लिए थे, सबके हाथों में टॉर्च थी। ऑन देयर वे टू चर्च, और वो कहाँ जा रहे थे, चर्च जा रहे थे। सडनली फ्रॉम द ऑल विलेजर्स, अचानक सारे विलेजर्स, फॉर एंड नियर, दूर के और पास के सभी लोग आ गए वहाँ पर और बेल्स को बजाने लगे चर्च की। सिटिंग इन हिज स्टडी आफ्टर द मिड नाइट सर्विस, फादर जोसेफ ट्राई टू राइट डाउन ऑन ए पेपर वॉट हैड हैपन टू हिम, फिर क्या हो गया, सो फादर जोसेफ अपनी वो मिड नाइट सर्विस में स्टडी टेबल के पास आकर के बैठ गए, और फादर जोसेफ वो सारी चीज़ें लिखने की उन्होंने कोशिश की, जो उन्होंने सारी चीज़ें उनके साथ हुई, कि उस बच्चे को देखने गए, उस बच्चे, उसकी माँ वहाँ बैठी हुई थी, उसको हंस रही थी देख करके, और रैम शैकल हट के नीचे बच्चा पैदा हुआ, सारी चीज़ें उन्होंने देखी वहाँ पर, और सारी चीज़ें उन्होंने लिखने की कोशिश की। द वर्ड्स केप्ट ट्विंकलिंग इन टू वर्स, और जो उनके वर्ड्स थे वो किस में ट्विंकल, मतलब जगमगाने लगे, वर्स में जगमगाने लगे, मतलब वो उन्होंने एक हिसाब से पोयम लिख डाली, क्योंकि पोयम में ही वर्स होते हैं, तो एक हिसाब से उनके वर्ड जो है जगमगाने लगे इन टू वर्स, वर्स की तरह। एंड वेन डाउन ब्रोक, और जब सुबह हुई, डाउन ब्रोक में सुबह, फादर जोसेफ हैड रिटन ए पोयम, और उन्होंने एक पोयम लिख डाली सुबह होते होते। नेक्स्ट डे क्या हुआ, वॉज क्रिसमस डे, अगले दिन क्रिसमस डे था। फ्रेंस जेवियर ग्रबर द म्यूजिक टीचर जो है एट द विलेज में, विलेज स्कूल के एक टीचर हैं फ्रेंस जेवियर ग्रबर, कम टू विजिट फादर, वो फादर के पास आए, फादर मोहर के पास आए। ही रीड द पोयम, उन्होंने पोयम को पढ़ा, एंड कंपोज म्यूजिक, और उसको एक म्यूजिक में दे दिया, म्यूजिक उसके साथ बजा दी, टू फिट द वर्स, और उस वर्स को फिट कर दिया म्यूजिक के साथ। द पोयम नाउ बिकम ए सॉन्ग, अब वो जो पोयम थी अब वो सॉन्ग बन गई, अभी तक क्या थी, वो पोयम थी, लेकिन अब क्या बन गई, सॉन्ग बन गई। विलेज के जो बच्चे थे हर्ड द सॉन्ग, उन्होंने गाने को सुना, एंड द टीचर सिंगिंग, और टीचर गा रहे थे और बच्चों ने उसको गाने को सुना। द चर्च ऑर्गन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, चर्च के जो ऑर्गन थे, ऑर्गन माने जो इंस्ट्रूमेंट थे, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए थे, मतलब वो खराब हो गए थे। सो द फेयर वर्स यूजिंग दे हैड नो वॉइस, इसलिए उसमें से कोई भी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, फेयर में साफ आवाज़ नहीं आ रही थी, एंड गिटार में भी साफ आवाज़ नहीं आ रही थी।
दे हैड नो आइडिया, उन्हें कोई भी आइडिया नज़र नहीं आ रहा था एट दैट टाइम। उस टाइम उन्हें कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दैट वन डे देयर सॉन्ग वॉज टू बिकम, क्योंकि अगले दिन उनको क्या सॉन्ग बजाना था एक ग्रेट क्रिसमस वाले दिन। हिम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे हो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने उनको अपना सॉन्ग क्या करना था, कंपोज करना था, बजाना था। फिर क्या हुआ, ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद क्या हुआ, एन ऑर्गन बिल्डर, मतलब अभी ऑर्गन बिल्डर क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने वाला जो ऑर्गन बिल्डर था, वॉज कॉल्ड फ्रॉम द नेबरिंग विलेज, पास के गांव से उसको बुलाया गया टू रिपेयर द चर्च ऑर्गन, ताकि चर्च के ऑर्गन को रिपेयर कर सके। व्हेन ही फिनिश हिज वर्क, जब उसने अपने वर्क को ख़त्म कर दिया, ही आस्क फ्रेंड्स ग्रबर, उसने फ्रेंड्स ग्रबर से कहा टू ट्राई इट, अब इसको ट्राई करके देखिए आप। जब फ्रेंड्स ग्रबर ने उसको ट्राई किया, सम हाउ स्लिप इंटू ए न्यू सॉन्ग, तो उन्होंने एक नया सॉन्ग गाया दैट ही हैड कंपोज फॉर फादर जोसेफ, जो फादर जोसेफ ने कंपोज किया था गाने को, तो फ्रेंड्स जेवियर ने उसको बजाया इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। आई हैव नेवर हर्ड द सॉन्ग बिफोर, मैंने ऐसा गाना पहले कभी नहीं सुना। किसने कहा ये बात, द ऑर्गन बिल्डर ने ये बात कही, ठीक है, इन हिज वॉइस, अपने दिल में ये बात कही। वुड यू माइंड, अगर आप बुरा ना माने, तो उसने ये बात कही किसके, म्यूजिक टीचर से, ऑर्गन बिल्डर ने म्यूजिक टीचर से ये बात की, अगर आप बुरा ना माने, इफ़ आई टू इट विद मी, क्या मैं इस गाने को अपने साथ ले जा सकता हूँ, द पीपुल वेयर आई लिव वुड लव इट, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के लोग भी इसको पसंद करेंगे। फ्रेंड्स ग्रबर एग्रीड, जो फ्रेंड्स ग्रबर थे वो एग्री हो गए उसकी बात से। ऑन दिस वे बैक टू ऑर्गन बिल्डर वॉज एंडलेसली हमिंग द सॉन्ग, जब वो ऑर्गन बिल्डर जब रास्ते में जा रहा था, अपने जब गाँव जा रहा था, तो एंडलेसली मतलब जब जब तक वो गाँव नहीं पहुँचा तब तक वो उसको हमिंग करता रहा, गाँव मतलब सॉन्ग को अपने दिल में गाता रहा या गुनगुनाता रहा। ही डिड नॉट रियलाइज वॉट इज ट्रली वैल्यूएबल गिफ्ट, उसको मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना अच्छा उसको गिफ्ट मिला है। ही कैरिड बैक, कि वो अपने गांव कितना अच्छा गिफ्ट ले जा रहा है, यानी इतना अच्छा सॉन्ग वो ले जा रहा है अपने गांव। ए गिफ्ट नॉट ओनली फॉर दिस विलेज, उसने कहा ये गिफ्ट केवल मेरे गांव वालों के लिए नहीं है, बट इट फॉर द इंटायर वर्ल्ड, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग है। द ऑर्गन बिल्डर रिटर्न एंड टॉट द सॉन्ग, जब ऑर्गन बिल्डर अपने गांव गया, उसने ये सॉन्ग सुनाया किसको, बच्चों को सुनाया, इन द विलेज में जो बच्चे थे उनको सुनाया। इट वॉज कॉल्ड, उसने उसको कहा कि ये कौन सा सॉन्ग है, सॉन्ग फ्रॉम हीवन, ये लगता है कि स्वर्ग से ये सॉन्ग आया है, इस गाने का ये नाम रखा गया। एंड क्विकली बिकम ए पॉपुलर इन होल द वैली, और जल्द ही ये गाना बहुत ही पॉपुलर हो गया पूरी वैली में, ऑफ जिलेट्रल, ठीक है, जिलेट्रल एक वैली थी, एक जगह का नाम है जिलेट्रल, वहाँ वो फेमस हो गया गाना। द चिल्ड्रन फाउंड द सॉन्ग, जब बच्चों ने गाने को पाया चार्मिंग और बहुत ही खुश हो गया, एंड पीपुल वर इंचेंटेड, और लोग इस गाने को सुन करके बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए, बहुत ही लग रहा उनके ऊपर जादू हो गया। वेन दे हर्ड इट, जब वो इसको सुनते थे तो उन पर इंचेंटेड हो जाता था और बहुत ही वो खुश हो जाते थे। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको इतना बताया, सेकेंड वीडियो में देखिए आगे क्या होता है।